ऑन तो बिल्कुल। ये क्या है? Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Mr. Whiskers House. तो ये एक horror escape game होने वाला है, जिसमें हमें Mr. Whiskers के house से बाहर निकलना है, जो कि सच्ची में बहुत ज्यादा dangerous हो सकता है, क्योंकि इसका house एक बहुत तगड़ी भूल भुलैया है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे जो ये रेड कलर का बटन आ रहा है ना, सिर्फ एक सेकंड लगता है यार, जल्दी से इसे दबा दो। क्या दबा दिया? हो थैंक यू। बाकी हाँ, इसमें दिखा रहा है 6-7 लोग अभी भी हैं जिन्होंने नहीं करा है, तो फटाफट से लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो ये हम लोग आ चुके हैं मिस्टर व्हिस्कर्स के हाउस में, और इसने शायद से हमें किसी केज में बंद कर रखा है। यस, मैं जाग गया हूँ। I'll leave you to rest for now. Okay. Enjoy your stay. भाई शायद से यही है मिस्टर व्हिस्कर्स, और इसने किसी तो डेंजरस बंकर या सेल में बंद कर रखा है, और ये यहाँ से चला गया है। सामने ये वाला जो गेट है, मुझे मालूम है नहीं खुलेगा। The door is locked tight. Okay. मैं इस डोर को नहीं खोल सकता हूँ। यहाँ पर कुछ है, वेंट है शायद से। It seems like the plank is covering a hole. यहाँ पर कोई होल है जिससे ये कवर हो रखा है, बट इसे खोलने के लिए ऊपर एक ये रेंच पड़ा हुआ है। दैट क्रोबार इज टू हाई टू रीच। ओके, तो ये क्रोबार है बट बहुत ज्यादा हाइट पे है। यहाँ पर एक मैं समझ गया, मुझे पहले इस चेयर के ऊपर चढ़ना है और यहाँ से इस क्रोबार को उठा के इसको प्लैंक को हटा देना है। भाई साहब, अभी शायद से मैं दूसरी साइड पे जा सकता हूँ। इससे मुझे आइडिया लग गया है कि ये किस लेवल का हॉरर गेम होने वाला है। खैर, जिस जगह पर अभी मैं आया हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। सामने एक लाइट का स्विच है जिसे मुझे ऑन करना चाहिए, बट ये ऑन तो ये क्या है? मैं ना फुल वॉल्यूम पे खेल रहा हूँ इस गेम को, अभी तो कानों से खून ही आने वाला था बस। वैसे हाँ, ये वाली लाइट जल गई है। सामने ये मिस्टर व्हिस्कर्स नहीं है, उसने किसी की बॉडी को यहाँ पे लटका रखा है। पता नहीं आ रही है कैसा संबंध है। खैर, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर का है, यहाँ पर आगे चलते हैं। ही इज हाइडिंग। यहाँ पर एक गेट है, बट ये वाला गेट भी लॉक है। ऊपर एक सीढ़ी जा रही है, ये अपना वापसी का रास्ता है। कुछ डब्बे पड़े हैं जिन्हें मैं खोल नहीं सकता, बट मैं ऊपर जा सकता हूँ, तो ऊपर चलते हैं। ओ नाइस, यहाँ पर सामने एक गेट है। तो अभी ये वाला जो डोर है ये भी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइटली लॉक्ड है। ये वाला जो शटर है, आई कैंट लिफ्ट दैट डोर विद माय बेयर हैंड्स, अपने हाथों से मैं इसे नहीं खोल सकता हूँ। बाकी यहाँ पर काफी सारी ड्रॉर है, इसमें भी कुछ नहीं है। शायद अभी ना मुझे वो दूसरे वाले रूम में चल के कुछ ना कुछ देखना चाहिए। तो यहाँ से वापस चलते हैं, और ये मैं आ चुका हूँ दूसरे रूम में। यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे हैं, ये भी ओपन नहीं हो रहा है। ऊपर एक बल्ब है, यहाँ पर भी एक बड़ा सा कुछ तो रखा हुआ। ओ वेट, इसे मैं ओपन कर सकता हूँ। दैट्स ओ, देयर इज नो डस्ट ओनली ऑन दैट कवर। मतलब कि हर जगह मिट्टी है, बट जो इसका कवर है इसके ऊपर मिट्टी नहीं है। यानी कोई ना कोई तो इसे डेली बंद चालू करता है, मीन्स इसका यूज करता है, तभी इस पर मिट्टी नहीं है। बट मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों यार। उस मेरे को पता क्या लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। शायद इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। नथिंग बट अ बंच ऑफ यूजलेस जंक। यार रुक जाओ, यहाँ पर मुझे एक स्क्रू ड्राइवर मिला इसके अंदर से। वाओ, ये जो स्क्रू ड्राइवर है शायद अभी इससे ये खुल जाना चाहिए, बट यहाँ पर जो बंदा लटका हुआ था वो गायब हो गया। कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है भाई इस गेम में। प्लीज लग जाए। वाओ, ये ओपन हो चुका है। अभी इसके अंदर से देखते हैं मुझे क्या मिला। द बॉयलर कंटेन्स अ स्मॉल शाइनी डोर की। स्मॉल शाइनी डोर की, यानी अभी मैं इधर जा सकता हूँ जहां पर वो छुपा हुआ है। लेट्स गो, यहाँ पर इसे लगाते हैं। द डोर इज टाइट। भाई ये क्या है ये चाबी? अच्छा, ऊपर वाली गेट, यहाँ पर भी तो एक गेट था ना। भाई ये सिंपल एस्केप नहीं होने वाला, बहुत ही अजीब है। मैं शायद इसकी को यहाँ लगा सकता हूँ। गेट ओपन हो गया, मैं अंदर आ चुका हूँ, बट ये आवाज कैसी थी? जैसे किसी बंदे को पकड़ के उसका सर दीवार में 4 बार ही बिठाया हो। बट ठीक है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेफ्ट में एक विंडो है जिसके ऊपर प्लैंक लगे हैं, यानी वो बंद है। राइट में एक दरवाजा है जिसमें बहुत अंधेरा है, आगे थोड़ी सी रोशनी है, और बट वहां से बहुत बुरी आवाज आई है, और ऊपर एक सीढ़ी है। मुझे पहले ना यहाँ राइट में चलना चाहिए। यहाँ पर एक किचन है, किचन में बहुत सारे ड्रॉर हैं। राइट में एक विंडो है, नीचे एक बॉक्स है। मैं सारे ड्रॉर ओपन करके देखता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, गैस स्टॉक में। बाकी नीचे जो बॉक्स है उसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी इसमें कुछ है,
इसमें कुछ तो अजीब है, क्या है? ओ ये क्या था, ऊपर लिखा हुआ है नॉट सेफ। भाई मेरे को इसमें से एक हड्डी मिला है, पता नहीं हड्डी कहाँ काम आने वाला है, बट मिल गया है। बाकी फ्रिज है जिसे मैं ओपन नहीं, यहाँ पर मुझे किसी के भागने का आवाज आया, पता नहीं उसमें क्या लिखा था बट मुझे सच्ची में किसी के भागने का आवाज आया जैसे मेरे कोई पास आ रहा हो। यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के नीचे वेंट है, शायद मैं इसे स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर सकता हूँ। चलते हैं नीचे, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ कुछ रखा हुआ है, शायद इस अंधेरी की वजह से मैं कुछ भी यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे वापस चलना चाहिए, जो आगे का रास्ता था ना शायद वहाँ अंदर कौन गया है भाई अंदर कोई भाग के गया है कसम से, मुझे देखना होगा पक्का, वो भूत तो नहीं है ना? Go away, leave me be. क्यों, क्या हो गया? हेलो, okay, ये fine. I will make you a deal. If you give me a gun, yes, I will give you some sort of list. I don't know what it is. The gun makes me feel safe, okay? Just fight me the gun. मैं इसको गन कहाँ से, ये एक नॉर्मल इंसान है, ये ना डर के आया है, इसको पक्का कोई ना कोई तो परेशान कर रहा है, और ये इस बाथरूम में आगे छुप गया है और ये कह रहा है कि जब तुम मुझे गन दोगे ना तब मुझे थोड़ा सेफ फील होगा। और फिर ये हमें कुछ तो लिस्ट कह रहा था देने के लिए, पता नहीं उससे क्या ही होने वाला है। मुझे शायद से ऊपर जाना चाहिए, क्या पता हमें कोई ना कोई गन या ऊपर देखने को मिल जाए। इधर एक डोर है, ये तो अपना लॉक हो रखा है, दूसरी साइड से लॉक है। यहाँ पर एक रूम है, मैं इस रूम में तो आ चुका हूँ बट इस रूम में कुछ भी खास मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ है, द कपबोर्ड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, ओके खाली पड़ा हुआ है। इसके पीछे एक सेफ है, मैं इसे ओपन करता हूँ बट ये ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पर एक पिलो है, पिलो के नीचे की है, क्या मैं इससे की ले सकता हूँ? बट यार मैंने ये वाली की उठा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। क्या इसको उठाने के लिए हड्डी का यूज़ तो नहीं करना? रुक जाओ मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, इससे हड्डी भी नहीं हो रही। ओ वेट, मैंने इस की को उठा लिया है, पता नहीं कैसे, मैं बार बार ही क्लिक कर रहा था और ये की मेरे पास आ चुकी है और शायद ये यहाँ पे लग जानी चाहिए और ये लग गई है। मुझे इसमें से गन नहीं, एक पेपर मिला है जिसमें लिखा है आई हिट द गन इन द प्रिजन सेल। प्रिजन सेल में उसने गन छुपाई है, बट ये प्रिजन सेल कहाँ पे है? सामने कुछ तो पिंजरा सा मुझे दिख रहा है, यही है क्या प्रिजन सेल? यहाँ पे एक कोड डालना है यार, नहीं ये नहीं होगा, कोड तो मुझे भी कुछ ऐसा मिला नहीं जो मैं यहाँ पर डाल सकूँ। खैर मुझे यहाँ से पहले बैक होना होगा, पता नहीं यार इसमें कौन सा कोड डलने वाला है। और वो जो गाइस वेट, उसमें लिखा है आई हिट द गन इन प्रिजन सेल, यानी कि जिस जगह पर हम लोग बंद थे ना गन वहाँ पर है, क्योंकि प्रिजन सेल वही है, यानी मुझे यहाँ से बाहर जाना है। यहाँ पर कहाँ पर गन छुपी हो सकती है मुझे कुछ भी समझ नहीं। वेट, यहाँ पर कुछ है, मुझे इसे इससे ओपन करना चाहिए, लेट्स गो। मुझे यहाँ से एक गन मिल चुकी है और अभी मुझे ये गन उसको ले जाकर देनी है, वो जो बंदा था यहाँ पर था ना वो, ये ले गन पकड़ फटाफट से। Take this piece of paper. हाँ थैंक यू सो मच। There's a list on it. But इसमें है क्या? Good luck. Okay. ये क्या चल रहा भाई? ये बंदा इतना ज्यादा डरा हुआ था, मतलब विस्कर्स पक्का बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसने हमसे गन अपने आप को मारने के लिए, मीन सुसाइड करने के लिए मांगी थी। पेपर तो उसने दिया जो कि शायद हमारे लिए यूज़फुल है। थिंग्स टू रिमेंबर, सो टू प्लैंक्स, यूज 8 नेल्स, बोर्ड ऑफ 5 विंडोज, कीप 1 बुलेट इन द 2851। ये कोड है गाइज, ये कोड है पक्का उस वाली जगह का, लेट्स गो। क्या था मैं भूल गया, 2851। तो मुझे यहाँ पर डालना है 2। भाई बहुत ज़्यादा पजल वाला गेम होने वाला है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। मैंने कोड डाल दिया शायद से, ये ओपन हो चुका है, लेट्स गो। ये वाला गेट तो अभी भी ओपन नहीं हो रहा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे दो विंडो है। पहले इस वाली विंडो में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है ये? इट सीम्स लाइक दैट मास्क इज ऑल स्वीट अप द मैन्स फेस हॉरिबल। ओके ये सही में बहुत अजीब है। यहाँ से मुझे एक टॉर्च मिला है, इधर एक वॉश बेसिन है जिसमें पानी चल रहा है पर पता नहीं है मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इधर एक दूसरी विंडो है जो कि शायद से अपनी वापसी का रास्ता था। टॉर्च मुझे याद आया कहाँ पर यूज होगी। गाइस ये जो जगह है ना जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, शायद मैं इधर ये टॉर्च यूज कर सकता हूँ और देख सकता हूँ आखिरकार यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ था, शायद इसमें से कुछ ना कुछ। पागल है ये, ले ले भाई शोर मचा दिया था इसने मेरे कानों में।
खैर यहाँ पे ये कुछ पड़ा हुआ है, क्या चीज़ है ये? इट्स जैक सीम्स टू बी, कि मेरे को पढ़ना था, यूजलेस कंडीशन में, यूजलेस कंडीशन में है ये जैक, किस काम आने वाला है? बाकी तो यहाँ पर मुझे कुछ भी खास देखने को नहीं, यहाँ पर एक टायर है जिसे मैं उठा सकता हूँ, बट ये टायर कहाँ काम आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं। इधर कुछ ड्रॉअर है मैंने नहीं ओपन कर सकता, पूरा का पूरा एरिया मैंने चेक कर लिया है, मुझे यहाँ से अभी वापस चलना चाहिए, लेट्स गो। ओह वेट, मैं समझा ये कहाँ यूज होने वाला है, ये तो जैक है शायद से, ये वाला जो डोर है इसमें लिखकर आ रहा था, हम अपने हाथों से नहीं खोल सकते, क्या पता ये जैक से ओपन हो जाए। लेट्स गो, ये इसी काम आता है कार वार को लिफ्ट करने के लिए, बट हम लोग इससे ओपन कर सकते हैं। मैं एस्केप कर चुका हूँ, शायद उसके घर से बाहर आ गया हूँ मैं, बट ये एस्केप नहीं है, शायद से उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर कुछ तो भूल भुलैया ऐसा है। फाइंड द वॉचिंग, वॉचिंग फाइंड मतलब मैं समझा नहीं। द गेट इज प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, आई वॉन्ट केम नियर। ओके, ये इसमें शायद से करंट है, मैं अगर इसके पास जाऊंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। यहाँ पर एक नीचे जाने का रास्ता है, नीचे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, पीछे की साइड में भी कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है। गाइस यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कुछ तो पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका है, बट ये क्या था, अभी मेरा हैंड रेड हुआ था, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एक टाइल यहाँ की हट चुकी है और इसके अंदर से मुझे स्ट्रेंज केस इन द शेप ऑफ कैट्स हेड। ऑलराइट, मैं समझ गया हूँ ये कहाँ पर यूज हो सकता है, इधर मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ से पहले बाहर चलना है। और ये वाली जो की है ना गाइस, वो शायद से ये कैट हेड वाली रूम में यूज होगी, शायद ट्राई करने में क्या जा रहा है। और लेट्स गो, गेट ओपन हो चुका है। द वॉचिंग, उसमें लिखा था कि हमें वॉचिंग फाइंड करना है और हमने उसे ढूंढ लिया है। अंदर चले, कुछ और तो नहीं है ना, मुझे चलना चाहिए अंदर, क्या चल रहा है ये? He bent the watching. That's it. Bastard is watching us from his enjoy. To my little game. Okay. Rules are simple. Escape, yes. You win. Yes. You lose. भाई, no one has won the game yet. बहुत गंदी आवाज है इसकी. I like you, so I'd like to help you on your way. Yes. Behind this chair is a switch to turn off the electricity outside. Okay. Watch out for the boar man. He doesn't like human beings. Good luck. तो ये हमारे साथ एक गेम खेल रहा है और इसने हमें एक हिंट दिया है, कह रहा है कि जो चेयर है इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है और वो सही में है। यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर सकता हूँ और शायद अभी वो जो डोर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई होगी, यानी कि अभी मैं वहां पर जाकर उस डोर का एक्सेस ले सकता हूँ क्या प्लीज? ओह वेट, हम लोग इसके पार आ चुके हैं। यहाँ पर एक जगह है कार रिपेयर, ऊपर लाइट लगी है, इधर बॉक्सेस पड़े हैं कुछ जंक के, बट मैं इसे भी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। सामने एक गली जा रही है, सून सान सी मुझे उस गली में जाना चाहिए। इधर एक गेट है, द गेट इज लॉक्ड टाइट, सारे गेट बहुत ज़्यादा टाइट लॉक्ड हो रखे हैं इस गेम में। राइट में एक विंडो है शायद से किसी के घर की। ये भाई कुछ भी हो रहा है, कौवा निकल रहा भाई कमरे से। ओके, अंदर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर एक म्यूजिक बज रहा है, इधर एक बॉक्स है, नथिंग बट अ बंच ऑफ यूजलेस जंक। ओके, थैंक यू बताने के लिए। इधर एक चेयर है, पेपर है, फिक्स टायर, यहाँ पर फिक्स टायर तो लिखा हुआ है, ऊपर बॉक्स है भी मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ है, पेपर है इधर। इधर एक बैक का विंडो है और अंदर एक डोर है, डोर में चलते हैं। बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे बॉक्स, और फिक्स टायर लिखा था उधर, यानी मुझे इस गाड़ी में टायर लगाना है, लग चुका है, और अभी I just need a tire wrench to finish it. Tire wrench कहाँ से लाऊँ अब मैं? रुक जाओ, मुझे ढूंढना पड़ेगा टायर wrench. Oh nice, मुझे मिल चुका है, ये यहाँ लगेगा और शायद से भी मैं गाड़ी में बैठ सकता हूँ। Alright, गाड़ी में मैं आ चुका हूँ, पर सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा है। टॉर्च, ओ इसमें लाइट का बटन है, मैं इसे ऑन कर सकता हूँ क्या? पहले गाड़ी ऑन करनी है फिर लाइट ऑन करनी है क्या? यहाँ लाइट का ये वाला लीवर है ना, बट ये ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओ Come with me. I will make you pretty. क्या हो रहा है, इतना अंधेरा क्यों है? उसने मुझे मार दिया क्या जो इतना अंधेरा हो गया? नहीं, उसने मुझे मारा नहीं है, उसने शायद से मेरे हाथ में हथकड़ी बांध दी है। My princess is a wife. Princess. Since you are such a brave bloke. हम लड़की हैं क्या इस गेम में? Nice brave little lion. Let me get my favorite knife. Don't go anywhere. क्या
मेरे पास 50 सेकेंड है सिर्फ और सिर्फ अभी, और मुझे अपने आप को एस्केप करना है। सामने कुछ है और यहाँ पर एक ये आरी सी पड़ी हुई है, इधर एक गेट है, ये स्क्रू ड्राइवर से कुछ, ओ नाइस, स्क्रू ड्राइवर से मैं अपने हाथ खोल सकता हूँ और अभी मुझे पक्का इससे इसे काटना होगा। इतना तो मुझे समझ आ गया इस गेम में, ये कितनी चंट गेम है भाई। रुक जाओ, अबे क्या है भाई, मुझे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये कट नहीं रहा है, कटेगा क्या, ओ कट गया, वाओ मुझे लग रहा था ऐसे नहीं कटेगा। ये गेट ओपन हो चुका है, यहाँ पर तीन की है, 1 2 3, थ्री तीनों की मेरे पास आ चुकी है, इसके अंदर मुझे लगानी है। ये वाली भी नहीं लगी, सेकंड की, सेकंड भी नहीं लगी, थर्ड लग जाइए प्लीज। ओ वाओ खुल चुका है, ओ 9 सेकंड बचे भाई, क्या था, ओ भाई हाँ ऊपर काफी सारे, मैं उस पर क्लिक कर रहा था, बढ़िया एक गेट खुल चुका है, मुझे आगे चलना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, ये लॉक्ड है, ठीक है यहीं जा सकता हूँ मैं। ओके वेट, मैं कुछ नहीं कर रहा, हाँ हाँ मुझे की चाहिए, जस्ट लाइक द अदर्स, फाइन गो अहेड, टेक इट, कीप बीइंग अगली। ओके गाइस इधर लिखा हुआ है फिक्स मी मेक मी प्रेटी, और इसने मुझे ये एक की दी है, और शायद से मुझे इसमें पानी लाके डालना है, जिससे कि ये पानी जब बाहर आएगा तो शायद इसमें से हमें कुछ ना कुछ मिले। ये वाली की शायद से यहाँ पर लगेगी, और गेट खुल चुका है, फटाफट से अंदर चलते हैं। यार ये जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉरर वाली हो रही है थोड़ी सी। बाकी यहाँ पर अगली जो बंदा है उधर उसका रास्ता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे को चलते हैं, यहाँ पर एक पाइप जा रही है, देयर सीम्स टू बी समथिंग स्टक इन दिस पाइप, मुझे लग ही रहा था कि मुझे पानी डालना है, इस पाइप में कुछ अटका हुआ है, शायद से जब पानी डलेगा तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी, बट मैं पानी कहाँ से ला के डालूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। इधर से भी पाइप टूटी हुई है, मुझे शायद इसे जोड़ना होगा क्या। ओ वाह मुझे यहाँ से एक बकेट मिल चुका है, और कुछ है क्या इधर काम का, नहीं इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक डोर है, द डोर इज लॉक्ड टाइट, ये वाला डोर बहुत ज़्यादा टाइटली लॉक्ड हो रखा है। ये बकेट जो है, इस बकेट को, अरे भैंस की कौन है बे, मैं भाग जाऊंगा, ये गेट तोड़ रहा है कोई, ऊपर वाले फ्लोर का रास्ता यहाँ से है। हाँ ये देखो, आई कुड फ्लश दिस ट्रेन विथ सम वाटर, हाँ तो इससे वाटर डालते हैं, बट शायद से बकेट एम्प्टी है, मैं इसके अंदर पानी भर सकता हूँ। गाइस वेट, मुझे याद आया पानी कहाँ से भरा जाएगा, वो जो एक वॉश बेसिन था ना दूसरे वाले घर में था शायद से, वो मुझे उधर जाना होगा, बट वापसी का रास्ता कहाँ है, यहाँ पर राइट में एक विंडो है, शायद से यही अपना वापसी का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि वो वाला गेट तो लॉक्ड हो गया था। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, राइट में एक डोर है जो कि दूसरी साइड से ही ओपन हो सकता है, बाकी वापसी का रास्ता समझ ही नहीं, ओ मैं उस वाली गली में आ गया हूँ, ठीक है अभी मुझे वापसी का रास्ता समझ आ गया, यह है पीछे वाली गली में, मेरे को यहाँ से और पीछे जाना है, यहाँ से नीचे जाना है, नहीं यहाँ से ऊपर जाना है। ओके तो यहाँ से मुझे पीछे जाना है, और ये हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर, और जो बकेट थी मीन्स वो जो वॉश बेसिन वाला एरिया था वो शायद से यहाँ से आगे जाकर इस रूम में था ना, लेट्स गो। यहाँ से हमें बकेट में वाटर मिल चुका है, 14 4 XY, ये चीज़ पहले यहाँ पर नहीं लिखी थी जहाँ तक मुझे याद है, ये कोड कहीं ना कहीं काम आएगा, 17X4Y, पता नहीं ये कहाँ यूज़ होने वाला है। भाई 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 यहाँ पर से हम नीचे कूद के एस्केप कर सकते हैं, बट लिख कर आ रहा है आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक अ लेग, ओके वैसे दोनों टूटेंगे एक नहीं टूटेगा। ओके तो अभी मैं अपनी बकेट लेके वापस से उस जगह पे पहुँच चुका हूँ, और मुझे यहाँ से डाल देना है, द पाइप इज फ्लश द ऑब्जेक्ट मस्ट बी समवेयर ड्रेन, हाँ मैं समझ गया हूँ वो कहाँ पर है। ओके गाइस तो अभी बस मैं उस जगह पे वापस पहुँचने वाला हूँ, मुझे यहाँ से पीछे जाके इस वाले रूम में जाना है, और यहाँ से मुझे ये कुछ तो मिला है, इट्स अ वीक, क्या है ये वीक हेयरपिन, पता नहीं क्या था ये, इसके पेट में तो नहीं मारना नहीं ये क्या यार, कुछ अजीब सा मुझे मिला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कहाँ पे यूज होने वाला है। गाइस वहां पर ना एक डब्बा था, शायद से वो डब्बा इससे ओपन हो जाए, क्योंकि कुछ ना नेल या फिर कुछ लॉक पिक टाइप लग रहा है, तो लॉक तोड़ने के काम आ सकता है, बट कोई भी लॉक इससे ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर एक गेट है, इस पे ये गेट इससे ओपन होना था, वाओ भाई वो देखने में लॉक पिक जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कोई गेट, वैसे वो भी गेट ही है बड़ा सा। मैं इधर आ चुका हूँ, यहाँ पर राइट में जाने का रास्ता, सामने जाने का रास्ता, सामने चल के एक बार ये देखते हैं, ये कोई बहुत बड़ा सेफ है जिसके मैं अंदर आ गया। No password, no entry, get lost. तू निकल यहाँ से भाई, क्या है इधर कुछ पेपर है, मैं खाली पीली में, नो बोर मैन, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है,
पता नहीं ये अपने लिए यूजफुल है या फिर नहीं। राइट वाले रास्ते पे चलते हैं। यहाँ पर एक स्कूटर है शायद जिसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। देयर सीम्स टू बी सम फ्यूल लेफ्ट इन इट। ओह वेट, इसके अंदर कुछ फ्यूल बचा हुआ है पर इसका यूज़ क्या है? यहाँ पर कुछ भी मैं नहीं उठा सकता, आगे चलना चाहिए। यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड का रास्ता है, इधर पीछे कुछ बॉक्स पड़े हैं। ग्रेवयार्ड पे चलते हैं एक बारी। इधर भी काफ़ी सारी ग्रेव है। डजंट सीम्स टू बी डग अ लॉन्ग टाइम अगो। ओके, इधर एक राइट में रास्ता जा रहा है, एक सामने रास्ता जा रहा है। सामने चलते हैं। सामने वाले रास्ते में अंदर एक छोटा सा कुछ तो बना हुआ है और यहाँ पर एक शवल। मुझे एक शवल मिली और शवल के ऊपर ये टिका हुआ था और जब ये गिरा तो ये देखो पीछे क्या है। बाकी इधर कुछ भी खास नहीं है। मैं इसे ओपन कर सकता हूँ? नहीं भाई, ये बहुत अजीब जगह है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। शवल मिली है तो क्या मैं शवल को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ? देयर इज़ नथिंग बट अ ह्यूमन रिमेन। ओके ठीक है, इधर भी कुछ नहीं है। यानी मुझे पीछे जाकर यहाँ पर कुछ डिक करके मिल सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं है खास। राइट साइड पे एक बारी मैं चल के देखता हूँ। यहाँ मुझे किसी की आवाज़ आई। यहाँ पर जाओ, यहाँ पे कुछ है। इधर पूरा मैं चेक करके अच्छे से हटूंगा। यहाँ पे इसके अंदर, ओ वेट, इसके अंदर से मुझे एक की मिली है पर मुझे कोई आइडिया नहीं ये वाली जो की। क्यों आइडिया नहीं, ये वाली की यहाँ पर यूज होगी भाई। गाइस जो पीछे एक बड़ा वाला गेट लॉक्ड था ना, ये की पक्का वहां पर यूज हो सकती है। बट मुझे ध्यान रखना है कि इस स्कूटर में जो फ्यूल लिख कर आया था ना, उसका कहीं ना कहीं यूज होगा भाई। तो अभी ना मैं इस बिल्डिंग में वापस से आ चुका हूँ और इधर ये वाला जो डोर था ना, शायद इसके अंदर ये की लग जाए। और लग गई है की, गेट ओपन हो चुका है, हम लोग अंदर आ गए हैं। बट ये जगह तो और भी ज्यादा अजीब सी लग रही है। इधर किचन नहीं है, बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है। सामने भी बहुत कुछ है। एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले वाले रास्ते में चलते हैं। यहाँ पर ये क्या है भाई? एक फिश है, वो भी कोट पैंट में। ओए रुक जा, इतना ज्यादा मत हिल भाई, डरा सी रही है तो बिल्कुल ही। बाकी यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है। इधर एक गेट है जिसके मैं अंदर आ गया हूँ। ओ वेट, आई रियली रियली होप दैट इज फिश। हाँ ये फिश है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी इधर से नीचे जाने का एक रास्ता है और मैं यहाँ से बाहर आ गया और मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। वाओ, ये अलग ही शॉर्टकट था। ठीक है, तो अभी वापस से उस जगह पे चलते हैं। खाली पीली में घर के बाहर चला गया था। इस वाली रूम के अंदर तो मुझे खास कुछ भी देखने को नहीं मिला है। पता नहीं क्या है। अभी ना सेकंड वाले रूम में चलते हैं, क्या पता। ओ वेट, ये सेकंड रूम नहीं है, ये वही रास्ता जहाँ से हम लोग आए हैं। ठीक है, सामने वाले रूम में हमें चलना चाहिए। आई हैव टू फाइंड अनदर वे अराउंड द गाइड टू पोर्ट। ओके, पोर्ट का रास्ता इधर, इधर बीच का रास्ता है। यहाँ पर वही खतरनाक बंदा खड़ा हुआ, मार डालेगा पक्का। मैं इधर आ चुका हूँ, सामने एक लाइट हाउस है, शायद मैं इस लाइट हाउस में जा सकता हूँ। लाइट हाउस में एक ऊपर जाने का रास्ता है, इधर कुछ पेपर है। मुझे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है क्या? और भी सीढ़ी है इधर, और ऊपर चलते हैं फिर। बाकी यहाँ पर तीन डब्बे हैं खाली, और ऊपर सीढ़ी है, और ऊपर चलते हैं। ये क्या है? नीड बैटरी लाइट रिवील्स। ओके, इसमें अगर बैटरी लगेगी तो लाइट जलेगी, बट उस लाइट से क्या होने वाला है ये मुझे नहीं मालूम। और वो बैटरी कहाँ मिलेगी ये भी मुझे नहीं मालूम। खैर मुझे यहाँ से बाहर आना चाहिए। इधर भी एक विंडो है, इसमें जा, ओ इधर एक जगह है, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। और इधर विंडो है। बॉटल मैंने नहीं गिराई है, अपने आप गिरी है। इधर एक पेपर पड़ा हुआ है। हेलो मिस्टर कैट निबल्स, आई एक्सपेक्ट यू टू टेक केयर ऑफ द माउस प्लेग इन माई किचन। प्लीज हरी अप, माई रेस्टोरेंट ओपन्स इन 2 days। काइंड रिगार्ड्स मिस्टर कैट ऑन फिश। ओके, यहाँ पर एक माउस प्लेग मुझे मिला है, ये एक टाइप का माउस ट्रैप कह सकते हो। ऊपर भी एक सीढ़ी जा रही है। यहाँ पर एक कैट है, इसके पास बैटरी है। बैटरी दे हमें ऐसे दे। No fish. I'm allergic. यार ये अलग ही है, ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे एक स्नैक ला के दोगे तब ये हमें बैटरी देगा। और इसे कोई फिश नहीं चाहिए। मैं समझा नहीं यार ये किस टाइप की बिल्ली थी। ठीक है, मुझे अभी इसको एक स्नैक ला के देना होगा, मछलियाँ ऐसे पसंद नहीं है। स्नैक कहाँ से? माउस ट्रैप मुझे मिला है, मुझे कोई चूहा तो नहीं पकड़ना? इधर रख दूँ क्या? नहीं, चूहा वूहा तो नहीं पकड़ पाएंगे। उस वाले रूम में काफ़ी सारे अलग सी जगह थी, मुझे शायद वहाँ चलना चाहिए। बट मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा? ओके, तो मुझे यहाँ से वापस जाना है, पीछे चलते हैं। इस वाले जगह पे बहुत कुछ थे तो मुझे ना अभी एक माउस होल ढूंढना पड़ेगा जहाँ से माउस आ सकते हैं। इधर भी बहुत कुछ था। ये चीज़ तो ये देखो गाइस, एक बार इधर ध्यान से देखो, इधर ये माउस प्लग है। ओ नाइस, यहाँ पर मुझे ये लगाना है और चूहा आ गया। वाओ, एक ही बार में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चूहा शायद हमारे लिए बैठा हुआ था कि जैसे ही ये लोग आएंगे वैसे ही मैं इस ट्रैप में फंसूंगा।
और मुझे भी इसे पकाना तो नहीं है, एक बार चल के देखता हूँ, क्या पता ये बिल्ली ऐसी खा ले चूहे को। कोई आइडिया नहीं, ये ले। ओ, ले लिया, वाह बैटरी मिल चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मुझे जाके बस लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करनी है फटाफट से। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। ये लो लगा दी बैटरी, लाइट हाउस की लाइट ओपन हो चुकी है, मतलब चालू हो चुकी है। और मुझे भी इससे क्या दिखने वाला है वो बाहर चल के मुझे देखना होगा। इस लाइट हाउस की लाइट से क्या होगा भाई? लाइट हाउस की जो लाइट है ना, ये मुझे समझ नहीं आया हमारे किस काम आई, और ना ही मुझे इससे कुछ खास देखने को मिला। मुझे लग रहा था पूरी जगह रोशनी हो जाएगी और कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मिलेगा, बट हाँ हो सकता है कि आगे चल के हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आए कहीं ना कहीं। तो बाकी मुझे ना अभी इस घर को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है कोई ना कोई चीज़ मैंने पीछे मिस कर दी हो। इधर एक ह्यूमन लैग कुक हो रहा है भाई, और तो दो मिनट शांत बैठे का वो चले जा रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पता नहीं यार, छोटी छोटी जगह एक एक रूम पूरा अच्छे से चेक करना पड़ता है, पर इधर कुछ भी अपने काम का नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं, मैं यहाँ से गलती से बाहर ही आ चुका हूँ। ये वाला एरिया तो मैंने पूरा चेक कर लिया था ना, यहाँ से ऊपर चलते हैं। इधर एक विंडो है, यहाँ से मैं अंदर आ सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है, मैं पहले भी यहाँ पर आया था। एक बारी आगे यहाँ से चलते हैं इधर को, मुझे ना एक बारी अभी यहाँ से ना वापस चलना चाहिए इधर वाले रूम में। गाइस उस वाले बाथरूम में वो जो कोड था 17X4, ओ वेट पीछे कुछ था, डेड माउस, ये क्या चीज है? वैसे हाँ मैं ये कह रहा था कि इस वाले बाथरूम में जो कोड था 17X4 वाला, ये पता नहीं किस काम आने वाला है। फिलहाल ये डेड माउस कुछ तो है। द लाइट रिवील्स द वर्ड्स डेड माउस, दिस मस्ट बी ए पासवर्ड। वेट, वो जो लाइट हाउस की लाइट है वो इस घर तक आ रही है और उससे मुझे ये कोड मिला है डेड माउस, और इसमें लिखा है कि हो सकता है ये कहीं का पासवर्ड हो। और एक जगह पर हम लोग गए थे, उसने बोला था नो पासवर्ड नो एंट्री और बंद कर दिया था। यानी गाइस अभी ना मुझे इस जगह से बाहर निकल के उस ग्रेवयार्ड वाली लोकेशन पे जाना है, क्योंकि वही जगह पर उसने मुझसे पासवर्ड मांगा था। तो फटाफट से भी इसे ओपन करते हैं। करेक्ट, कम इन फ्रेंड। ओके, अभी इसने करेक्ट बोल के मुझे अंदर बुला लिया है, और ये यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। ओके, मैं किसी को परेशान नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। फिलहाल ये अपना वापसी का रास्ता है, ये आगे का रास्ता है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर एक भाई साहब जी बैठे हुए हैं। ओके, मेरे को अभी ये सारे लोग मेरे से बहुत ज्यादा तमीज से बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ से नीचे जाना है सबसे पहले। इधर लिखा हुआ है वेलकम और स्माइल है, ये वाले जगह पर मैं इसे ओपन कर सकता हूँ क्या शायद से इसके थ्रू, शवल के थ्रू तोड़ के? नहीं, यहाँ पर राइट में कोई रास्ता नहीं है, ऊपर वापसी का रास्ता। इधर राइट लेफ्ट में लिखा हुआ है रूम, रूम में चलते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो बहुत सारी टनल है, इधर एक गैस कैन है, आई कांट रीच दैट। क्या इससे? नहीं, इससे भी नहीं आने वाला है। कोई बोट या फिर कुछ तो रस्सी टाइप चाहिए होगा इसे उठाने के लिए, गैस कैन। और मुझे पता है ये जो गैस कैन है वो स्कूटर वाले फ्यूल में यूज होने वाला है। आगे एक टनल है, यहाँ पर एक रैट बैठा हुआ है, कुछ भी इधर खास नहीं है। हेलो, ओके, मतलब यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं उनको ये वाला मास्क लगाना पड़ता है, और ये बोल रहा है कि तुम ये कैसे बंदे हो जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो क्या मैं मास्क पहनूं? वो मेरे लिए सेफ हो जाएगा ना थोड़ा, पता नहीं। कह रहे यहाँ पर कुछ भी हिंट वगैरह मुझे इस मास्क वाले आइडिया से तो कुछ मिला नहीं, और इधर वैसे भी कुछ काम का नहीं है। पर फिर भी हर एक चीज समझना इस गेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट वाला रास्ता अपना हो चुका है, फ्रंट वाला भी हो चुका है, मुझे फिर अभी लेफ्ट जाना चाहिए, ठीक है। अबे ये कौन है? हेलो, ओके, द साइको, मुझे पता है वो पागल है एकदम, ठीक है। ये अपना वापसी का रास्ता है, और सामने एक टनल है, टनल में चलते हैं। यहाँ पर एक मकड़ी सा बंदा बैठा हुआ है। Oh, not to me. अच्छा ये बी है, सॉरी, क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर, आगे एक टनल और जा रही है, मुझे इसमें चलना चाहिए। भाई मैं कैसी भूल भुलैया मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर टनल ही टनल है, बट मुझे कंफ्यूज नहीं होना। पहले चलते हैं राइट में, राइट में तीन लोग बैठे हैं। हेलो मोटू, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। Do you want to see my knife up close, boy? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं देखना है। Drinks on the house. दो फिर ड्रिंक, ओ वाओ, मुझे यहाँ से सही में एक ड्रिंक मिल गई, बट पता नहीं ये ड्रिंक कहाँ पर यूज होने वाली है। तीन टनल थी, राइट वाली से मुझे ड्रिंक मिली है, कहीं तो ये यूज होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक भाई साहब जी ऊपर लेटे हैं। सॉरी, सो जा तू, सो जा भाई, ये कह रहा मुझे सोने दो चुपचाप से। यहाँ पर एक भाई साहब है। Still can't escape this shite hole. Okay. I've been here for 10 years now. Still can't escape this shite hole. इस होल से कुछ इसका कहना है क्या? ये कह रहा है कि इधर ये 10 साल से फंसा हुआ है और ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो कुछ करना, तू खाली बैठा हुआ है तो ऐसे बाहर निकल जाएगा क्या? पता नहीं, इससे भी मुझे कुछ खास हिंट नहीं मिला। लेफ्ट में चलते हैं, यहाँ पर भी काफी सारे होल और रास्ते हैं, इधर भी बहुत कुछ है।
मैं किसी चीज़ को ओपन कर सकता हूँ? नहीं, अगर एक नहीं ओपन हुआ तो बाकी भी नहीं होंगे। हाँ, तो पहले चलते हैं लेफ्ट वाले होल में। यहाँ पर भी दो होल हैं, क्या इसके अंदर ये ओपन हो सकता है? ये भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ। शवल से इसके अंदर ये डाल, मैंने वो पी क्यों ली? वो जो ड्रिंक थी मैंने पी ली है। क्या वो बार वाले अंकल जी से मैं ड्रिंक दोबारा से ले सकता हूँ? ड्रिंक्स ऑन द हाउस। ओके, शायद से इसने मैं ड्रिंक दोबारा से दे दिया है। हाँ, इस बार मैं से पीने नहीं वाला, क्योंकि मैं पीऊंगा तो उसका कहीं भी यूज नहीं होगा। बाकी वेट, यहाँ पर ऊपर कुछ है, ये ओपन होएगा? नहीं होएगा। वैसे गाइस, इधर ये जो लेफ्ट वाला रास्ता था ना, मैं इसमें अभी तक एक बार भी नहीं गया हूँ। यहाँ पर भी दो रास्ते और आ रहे हैं। मुझे अभी फ्रंट वाले पर चलना चाहिए। और इधर कुछ तो है, कुछ अजीब सा है। शायद मुझे ये सारी की सारी लाइट्स ग्रीन करनी है, उससे कुछ होगा। ओ वेट, सारी लाइट्स ग्रीन हो गई। कुछ आवाज़ तो आई है, बट ये आवाज़ किस चीज़ की थी मुझे नहीं मालूम। शायद यहाँ से वापसी चलना चाहिए। पीछे चल के देखते हैं, यहाँ पर कुछ रास्ते बने तो हुए हैं। आगे जा सकता हूँ क्या मैं? ये तो वापसी का रास्ता है। मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है, यानी बी वेयर आउटसाइड। ओ वाओ, ये बाहर का रास्ता है। यहाँ पर माउस दिखा रहा है नीचे को। बाकी इधर एक फिश बनी हुई है, आगे भी एक रास्ता है। इट्स नॉट स्मार्ट टू लेट द बोर मैन नोटिस मी। ओके, तो अभी मुझे उस तरफ नहीं जाना, यानी यहाँ से नीचे। ये तो यहीं से तो मैं ऊपर आया हूँ। वेट, नीचे जाकर भी यहाँ पर एक रास्ता है। ये तो पूरा बैक हो गया, मैं आगे में जा नहीं सकता। ये वाला रास्ता वापसी का है, तो क्या मैं इधर जा सकता हूँ? ओ वेट, यहाँ पर और भी रास्ते हैं, तो यहाँ से भी शायद मुझे लेफ्ट जाना है। बाकी इधर कुछ पेपर्स पड़े हैं, इधर ड्रम पड़ा है, ऊपर एक विंडो है। नहीं, हम लोग को शायद इधर ही जाना चाहिए। यहाँ पर एक बोट है जिसके थ्रू हम लोग शायद से एस्केप करने वाले हैं। हेलो, भाई ये क्या हो रहा है? तो अभी अभी ये जो बंदा ये कह रहा है, मैं खुद यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस बोट पे पिछले एक महीने से काम कर रहा हूँ। उसने इस बोट को पूरा कंप्लीट कर दिया, बस इसको एक फ्यूल चाहिए थोड़ा सा इस बोट को चलाने के लिए। तो वो जो फ्यूल है, मुझे उसके लिए पता है कि गैस कैन कहाँ पर है और मुझे फ्यूल कहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि वो जो पीछे स्कूटर था उस पर लिखा था इसके अंदर थोड़ा सा फ्यूल है जो कि मुझे मिल जाएगा। बट गैस कैन मेरे पास कैसे आएगा मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अंदर वाला एरिया मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, यहाँ से और आगे जाने का रास्ता नहीं था, यानी मुझे यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे यहाँ से बाहर आगे को चलना चाहिए। गाइस, अभी ना मैं पिछले 15 मिनट से इस जगह पे इधर से उधर घूमे जा रहा हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो जो जेरी कैन है वो मुझे कैसे मिलेगा। भाई एक एक जगह मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। ये कहीं ओपन तो नहीं होना, क्या पता इसमें से कुछ मिल जाए। यार बड़ा ही अजीब सीन हो रखा है। फिलहाल मैं इस जगह पर आगे जा सकता था क्या, जहाँ पर ये था? इधर ही क्या पता कुछ ना कुछ पड़ा ना हो। ये बोट के अंदर भी मैंने, यहाँ पर एक आगे जाने का रास्ता है। आगे एक बोट और खड़ी है, क्या पता ये वाली बोट ठीक हो और हम लोग अकेले एस्केप कर जाएं। नहीं यार, ऐसा भी कुछ नहीं है। लैंटर्न पड़ी है ये डब्बे में। द कपबोर्ड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। ठीक है भाई, ठीक है, सब कुछ एम्प्टी है ना। यहाँ ऊपर ऊपर से मुझे कुछ मिला, सीम्स टू बी स्लीपी पिल्स। स्लीपी पिल्स से क्या होने वाला है? दैट्स अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। ये ड्रिंक मैं पी सकता हूँ क्या? ओह, मैं पहले इस ड्रिंक को पी पा रहा था, बट अभी मैं इस ड्रिंक को नहीं पी सकता हूँ। ये भी ठीक है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से फिशिंग रोड मिल चुकी है, बट अभी ना कुछ उड़ के गया भाई। ये भूत है कोई, ये देखो यही उड़ के गया था। भाई कुछ तो पक्का यहाँ पे गड़बड़ है। शायद से इस फिशिंग रोड के थ्रू ना मुझे वो जेरी कैन मिल जाएगा। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। अभी मस्त रास्ता मुझे मिल चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। जेरी कैन, जेरी कैन, फटाफट से। तो जेरी कैन के लिए मुझे फटाफट यहाँ से वापस जाना है। ये रहा, तो क्या मैं इसको इसके थ्रू ले सकता हूँ? लेट्स गो, जेरी कैन मिल चुका है। अभी मुझे यहाँ से उस वाली जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो स्कूटर था। फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेट्स गो। ओके, तो अभी मैं इस जगह से बाहर तो आ चुका हूँ, बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या मैं अगली बार अंदर जा पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि वो जो पासवर्ड है वो मेरे पास नहीं है। शायद मुझे पासवर्ड दोबारा लेने के लिए जाना होगा, ऐसा हो सकता है। तो मुझे जाना है इस वाली गली में। यहाँ पर राइट वाली साइड पे स्कूटर पड़ा हुआ था, इससे मैंने फ्यूल भर लिया है और ये जो फ्यूल है उसमें लगाना होगा। बट इसी के साथ मुझे पहले उस बिल्डिंग में जाना है। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता ये मेरी एंट्री ऐसे ही करवा दे। ठीक है, हारो, मेरे पास पासवर्ड नहीं था वैसे, शायद पुराना पासवर्ड ही सेव था। लेट्स गो गाइस, फटाफट से इस जेरी कैन को लेकर चलते हैं सीधा उस बंदे के पास। मुझे अभी बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। ले भाई, ये ले, इसे पी जा। नहीं सॉरी, बोट में डाल। गाइस, मैंने इसको जेरी कैन मींस फ्यूल ला के दे दिया है बोट का, बट अभी देखो ये क्या कह रहा है, सुनो। ग्रेट, देयर इज हाउएवर अ स्मॉल प्रॉब्लम, द बोट्स इग्निशन की हैज बीन स्टोलन। ओके, आई सॉ अ लॉट विद अ गॉड मास्क अर्लियर टुडे, आई बेट ही हैज इट। यार
ये कह रहा है कि जो बोट की इग्निशन की है, मीन्स उसे स्टार्ट करने की जो चाबी है वो चोरी हो गई है। और ये कह रहा है कि कोई बंदा जिसने एक गोट का मास्क लगा रखा है, और ये गारंटेड कह रहा है कि वो जो चाबी है वो उसी के पास होगी। अब मुझे गोट मास्क वाले बंदे को ढूंढना है। ये गोट का मास्क था क्या? नहीं, ये तो राइनो का मास्क है। नहीं यार, ये गोट मास्क वाला बंदा नहीं है। मुझे भी एक एक बंदे की जाके ना शक्लें देखनी पड़ेगी पहले। राइट साइड में कोई है क्या? गोट मास्क वाला नहीं है, तो डॉग का, ये पिक का, और वो शार्क का है। इनमें से तो कोई भी बंदा नहीं है इस वाले रूम में। यहाँ ओ ये रहा गोट का मास्क। I'm dying for a drink. इसे ड्रिंक चाहिए, ले ये पीना तू। ओके, द फेलो इज स्लीपिंग लाइक अ बेबी गोट। अब मुझे इससे की मिलेगी क्या? बट एक सेकेंड, वेट, इसके पास ये देखो की पड़ी हुई है। मैं ये की लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। यार उठाना, सामने की पड़ी है भाई, ये कैसे? ओ वेट, स्क्रू ड्राइवर से कैसे की आ रही है भाई, पता नहीं। ठीक है, मेरे को की मिल चुकी है। अभी अगर उसने ड्रामेबाजी करी ना, मैं उसका मुंह तोड़ के अकेले बोट लेके निकल जाऊंगा यहाँ से, अगर अब कोई प्रॉब्लम आई तो। ओ यार, मेरे को जाने दे भाई प्लीज। ये कोई रास्ता है क्या यहाँ से? नहीं, ये तो वापसी का रास्ता है। गाइस अभी ना मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, ना ही मैं इसको मार के भगा सकता हूँ। मतलब यार ये बहुत गलत सीन है। बाहर निकलने का पूरा रास्ता क्लियर हो गया, तो ये मॉन्स्टर ने आकर सारा काम खराब कर दिया। मुझे यहाँ से क्या बाहर procedures. तो फिर मैं भी करूँगा क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर कुछ है क्या? वेट, इससे मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये सीधा था, ये टेढ़ा था, कुछ ना कुछ इसमें छोटे छोटे क्लू रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये शायद से कोई रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। ऊपर यहाँ से मैं उतर कर आया। दो रास्ते हैं क्या? नहीं, इधर से मैं उतर कर आया हूँ, यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। नाइस, मैं यहाँ से आ चुका हूँ बाहर। ये आगे का रास्ता है, और चले क्या? ये ले चाबी। वंडरफुल जॉब लैड, नाउ लेट्स गेट आउट ऑफ द शाइटी मेस। मेरे को बोट पे बिठा। ओके प्लीज एंड, ये बोट में बैठ चुका है। दैट वॉज अ टेरिबल वेकेशन। कहीं यही तो वो नहीं है? मुझे इससे डर लग रहा है भाई, सही में ये कुछ तो हमने उसे मारा क्या? ऐसा हुआ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये एस्केप हुआ या नहीं। विस्कर्स, कितना गंदा साउंड है। मैं बोट कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। क्या हुआ? You can never win the game. भाई साहब मूड खराब कर दिया पूरा। यार ये गलत है भाई, इतना सब कुछ करा एस्केप करने के लिए, कर भी दिया एस्केप, बट बाद में विस्कर्स ने आके उस बोट वाले बंदे को मार डाला, और शायद अब हमें भी मार ही डाला होगा। बट यार बहुत ही मस्त गेम था। तो चलो गाइस, आज के वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। और इस टाइप के और भी गेम्स आप लोग देखना चाहते हो, तो इस वीडियो पर 550,000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पर लेना चाहो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.